श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजना शलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि मेरा मन भगवान के भजन में नहीं लगता, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यही है कि संसार यह भगवान की माया है। माया का काम भगवान ने यह दिया है कि सभी लोगों को भगवान से विमुख करना। माया का काम भगवान से विमुख करना, भक्ति ना करने देना है। वहीं भगवान की जो भक्ति है वो भगवान की तरफ उन्मुख करती है। माया और भक्ति दो रूप शक्तियां हैं भगवान की। मन संसार में लग रहा है माया के वशीभूत होकर। अगर मन भगवान में लगने लग जाएगा भक्ति के द्वारा, तो वह सही रूप से सही दिशा में जा रहा होगा। उसकी सही दिशा, सही विश्राम स्थल मन का भगवान के श्री चरण ही हैं। परंतु माया के वशीभूत होकर यह मन संसार में ही सुख देख रहा है, संसार में ही सुख खोज रहा है। मन का भगवान में न लगने का कारण, भजन न होने का कारण, यह मन इस जन्म में क्या, पूर्व जन्म जितने भी आपके हुए हैं, प्रत्येक जन्म में इस मन के द्वारा आपने संसार के भोग को भोगा है, अर्थात भगवान की माया में सुख और आनंद खोजने की आपने कोशिश की है। मतलब यह मन बहुत अभ्यासरत हो चुका है संसार में सुख देखने के लिए, संसार से सुख प्राप्त करने के लिए। तो मन संसार में ही तो जाएगा, मन एक जगह नहीं बैठता है, मन एक जगह नहीं लगता है, क्योंकि मन को हमेशा नया नया चाहिए। अब यहाँ मन कुछ लोगों का ऐसा हो जाता है, बिगड़ जाता है कि वह पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। यह जन्म क्या, इस जन्म के बाद आगे जितने भी जन्म होने वाले हैं, इस मन की दुर्गति के कारण बर्बाद हो जाते हैं। आप इस संसार में जो भी जेल खाने देख रहे हैं, इस मन की दुर्गति के कारण ही तो हैं। मन ने कुछ गलत संकल्प किया, शरीर के द्वारा वह चेष्टा भी हो गई, गलत काम हो गया मन के सोचने से, बुद्धि के विचार करने से, और शरीर ने यह काम कर दिया, शरीर ने मन का बुद्धि का साथ दे दिया। तो गलत काम होने के बाद सरकार का संविधान, सरकार का दंड संहिता लागू होती है, इसीलिए इतनी सारी जेल भरी हुई हैं। अगर मन सही दिशा में लगा होता, मन विवेकी होता, मन भगवान के गुरु के चरणों में लगा होता, तो इस जेल के बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मन को कैसे नियंत्रित रखा जाए, यह भी प्रश्न होता है। तो मन जिस चीज़ में अगर लग गया, लगातार अभ्यास से लगा रहा, तो फिर मन उसको नहीं छोड़ता है। यह मन की बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे एक शराबी शराब पीने के लिए शुरुआती पहले दिन में शराब पीता है, तो वो खूब मना करता है, नहीं हम नहीं पीते हैं, हम नहीं इसका सेवन करते हैं, यह गलत चीज़ है। लेकिन स्वाद लेने के बाद उसे कुछ अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है, उसे सुख प्राप्त होता है, मन शरीर से सुख लेने को ललायित रहता है। धीरे धीरे वह उस शराब की मात्रा को रोज बढ़ाता है, वो रोज चाह करने लग जाता है, और मन उस शराब में लग गया। अब तो वह लती हो गया मन के वशीभूत होकर, क्योंकि शरीर को अच्छा लग रहा है, शरीर से मन को अच्छा लग रहा है। शरीर के भोग अगर अच्छे लगने लग गए, जैसे शराब जैसी वस्तुएं, और वह लती हो गया, तो बर्बादी का कारण तो बन ही गया ना। वहीं जुआ हो गया, जुआ भी एक बुरी आदत है, मन शुरुआत में नहीं लगता, लेकिन एक बार लग जाता है तो कितना समय बर्बाद कर देता है, कितना धन बर्बाद कर देता है, मन बर्बाद कर देता है, ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। इसी समय को भगवान के भजन में लगाना चाहिए। लोग शराब में, जुए में लगा रहे, वहीं कामी पुरुष हमेशा स्त्री का चिंतन करता है। उसके मन में चिंतन क्या हो रहा है, भगवान का होना चाहिए,
वास्तविक अर्थों में भगवान का चिंतन होना चाहिए मन के द्वारा, स्त्री का चिंतन हो रहा, वहीं लोभी धन का चिंतन कर रहा है, तो मन जहाँ लगा हुआ है वहीं लग जाता है। तो हमें बलात् मन को संसार से हटाकर भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में लगाना चाहिए। भगवान में अगर नहीं लग रहा है तो बलात् मन को लगाओ, बार बार लगाओ। जैसे पढ़ाई करने के लिए बच्चों को कहा जाता है मन लगा के पढ़ो, मन को इधर उधर न भटकाओ। अगर बच्चे का मन पढ़ाई में लग जाता है तो फिर उसे पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ता है, वो अपने आप पढ़ने लग जाता है। इसी प्रकार से जब भगवान में मन लग जाता है तो उसे भजन करने के लिए कहना नहीं पड़ता, उसका मन उसका शरीर दोनों भगवान के भजन में लगे रहते हैं। तन मन धन से वह भगवान का भजन कीर्तन करता है। अतः हमें अपने मन को इसी प्रकार से नियंत्रित करना चाहिए। भगवान की शरण में होकर, भगवान में मन लगाकर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और इस संसार में सभी गलत चीज़ों से ऊपर उठकर हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।